Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में प्राचीन लोग हजारों साल पहले से जानते थे। मरकरी ग्रह यानी बुध ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया। प्राचीन लोग इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते थे, क्योंकि मरकरी सुबह और शाम दोनों ही समय एक तारे की तरह चमकता है। पर ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जानते थे कि ये दोनों नाम एक ही ग्रह के हैं। ऐसे ही अनेकों रोचक तथ्य हैं मरकरी ग्रह के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के एपिसोड में हम मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। वैसे तो प्राचीन लोग सदियों से ही ग्रहों के बारे में जानते थे और मरकरी के बारे में भी उन्हें हजारों साल पहले से पता था, पर पिछले कुछ सौ सालों से नए ग्रहों की खोज के लिए हम दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप से ग्रहों की ओर देखा, पर मरकरी को देखने के लिए गैलीलियो द्वारा बनाई गई वो टेलीस्कोप काफी नहीं थी। जब बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। सबसे पहला ट्रांजिट सन 1737 में जॉन बेबिज ने रॉयल ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में देखा था। सन 1960 तक यह माना जाता था कि सूर्य और मरकरी टाइटली लॉक्ड हैं, जिसका मतलब है कि मरकरी का एक फेस हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। पर सन 1965 में डॉपलर राडार ऑब्जर्वेशन से यह बात गलत साबित हो गई। मरकरी अपने दो सालों में अपनी धुरी पर लगभग तीन चक्कर लगा लेता है, यानी कि बुध ग्रह के दो साल में तीन दिन होते हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 5,76,00,000 किलोमीटर है। मरकरी हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ तक कि यह हमारे सौरमंडल के कई उपग्रह जैसे गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है। इसका एवरेज डायमीटर 4,880 किलोमीटर है, पर अगर भार की बात की जाए तो ये इनसे दोगुना भारी है। यह हमारे सौरमंडल का पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे डेंस ग्रह है। इसकी डेंसिटी 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मरकरी की कोर डेंस आयरन से बनी हुई है और इसकी मेंटल और क्रस्ट यानी कि सतह सिलिकेट से बनी हुई है। यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है। मरकरी ग्रह की सतह काफी हद तक हमारे चांद से मिलती जुलती है। चांद की सतह की तरह मरकरी पर भी बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर हैं, जो शायद उल्काओं के टकराने से बने होंगे। कैलोरिस क्रेटर मरकरी ग्रह का सबसे बड़ा क्रेटर माना गया है, जिसका रेडियस लगभग 1550 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ज़्यादा क्रेटर हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो पूरी तरह से समतल और मैदानी हैं, और बहुत से प्राचीन ज्वालामुखी हैं जो हो सकता है कि अभी भी सक्रिय हों। मरकरी ग्रह का तापमान हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा असामान्य रहता है। दिन के समय इसकी सतह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि रात का तापमान -170 डिग्री तक चला जाता है। पहले माना जाता था कि मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। पर मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर न होने के कारण यह टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो मरकरी से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, पर इसका तापमान मरकरी की तरह असामान्य नहीं रहता। मरकरी की सतह पर बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर है,
जिसमें कि सोलर विंड्स द्वारा छोड़े गए कुछ एटम्स होते हैं। पर मरकरी के बहुत ज्यादा गर्म होने से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो भी स्पेस में उड़ जाते हैं। मरकरी ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, यानी कि मरकरी पर एक साल 88 दिनों का होता है और मरकरी पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। मरकरी बाकी ग्रहों से तेज सूर्य की परिक्रमा करता है, जो कि 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाती है। इस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है, जो कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% है। मरकरी ग्रह का अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मरकरी ग्रह को आमतौर पर दूरबीन या किसी और यंत्र से देखा जा सकता है, क्योंकि यह सूर्य के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। पर अनेकों ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो मरकरी और अन्य ग्रहों की रियल टाइम पोजीशन बताती हैं। मरकरी ग्रह की स्टडी के लिए आज तक 2 अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं। सन 1974 और 1975 के बीच पहला अंतरिक्षयान मैरिनर 10 भेजा गया, जो कि मरकरी को सिर्फ 45% ही मैप कर पाया। इसने 3 बार इस ग्रह की परिक्रमा की थी। अधिक गर्मी और सूर्य के ज्यादा नजदीक होने के कारण 24 मार्च सन 1975 को मैरिनर 10 ने काम करना बंद कर दिया। दूसरा अंतरिक्षयान मैसेंजर नासा द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया। मैसेंजर ने 2005 तक मरकरी की परिक्रमा की। इस बीच मैसेंजर ने लगभग पूरे मरकरी ग्रह को कवर करते हुए लगभग 2.5 लाख से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लिए। अंत मैसेंजर अंतरिक्षयान को भी 15 अप्रैल सन 2015 को मरकरी की सतह पर छोड़ दिया गया। पर मैसेंजर अंतरिक्षयान के मिशन से मरकरी पर बर्फ के रूप में पानी जमा होने और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होने के दावों को भी सपोर्ट मिला। मैसेंजर के न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर ने नॉर्थ पोल पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की पुष्टि की। जो क्रेटर्स कभी सूर्य के सामने नहीं आते, वहां तापमान बहुत ही कम होता है। ऐसे ही क्रेटर्स में भारी मात्रा में बर्फ जमा होने के भी दावे किए जा रहे हैं। अनेकों प्रश्न मरकरी के बारे में ऐसे हैं जो इसे बेहद अजीब बनाते हैं, जैसे कि मरकरी की डेंसिटी पृथ्वी के बराबर है, पर संरचना में यह पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, लेकिन चांद से बेहद मिलता जुलता है। स्पेक्ट्रोमीटर स्टडीज से पता चला है कि मरकरी की सतह पर आयरन के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। पर मरकरी ग्रह की कोर आयरन की है, जो इसे अन्य टेरेस्ट्रियल ग्रहों से अलग बनाती है। हम मरकरी ग्रह के दूसरी तरफ की सतह का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक इसे देखा ही नहीं है। सच में ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये है मरकरी। ऐसे ही अनेकों प्रश्न आज भी मरकरी से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही अनेकों राज आज भी मरकरी में कहीं दफन हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।